गाइस देयर इज अ लॉट ऑफ फूड राइट हियर। और भाई ये खाना ना आपको दिल्ली में तो नहीं मिलने वाला भाई। अभी एक चीज़ मेरी और रह गई है, मैं लेके आता हूँ, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो दिल्ली में नहीं मिलती और इनको अगर ट्राई आउट करना है तो अहमदाबाद आना पड़ेगा। मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। सो फ्यू मंथ्स बैक आई वेंट टू बैंगलोर एंड वहाँ जाके मुझे पता चला कि यार बैंगलोर का मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू इन दिल्ली। मैंने ना उसी समय सोच लिया था कि अब मैं जिस शहर में जाऊंगा ना वहाँ का मैकडॉनल्ड्स तो एक बार ट्राई करना बनता ही है। सो टुडे आई एम इन अहमदाबाद और शहर चाहे जो भी हो माय लव फॉर मैकडॉनल्ड्स कंटिन्यूज है ना भाई। आई हैव अ लॉट ऑफ कूल स्टफ टू शो यू, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी हैव इज द चॉकलेट मफिन, वेरी कूलर, द आइस कोक, अमेरिकन चीज सुप्रीम वेज बर्गर, द चिकन कबाब बर्गर, द मैक स्पाइसी प्रीमियम बर्गर, द मैक्सिकन आलू टिक्की बर्गर, मैक स्पाइसी प्रीमियम बर्गर, अमेरिकन चीज चिकन बर्गर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बनाना कैरेमल मैक फ्लरी। यार मुझे ना एक बात बताओ, मतलब आप लोग क्या ही बताओगे, मतलब मुझे एक बात समझनी है कि अगर बैंगलोर में मैं कैफ़े है, अहमदाबाद में मैं कैफ़े है, तो दिल्ली में मैं कैफ़े क्यों नहीं है यार। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मैं कैफ़े से लाइक आई लाइक मैं कैफ़े अ लॉट, बट भाई अब तो बर्गर किंग वालों ने भी अपना बीके कैफ़े खोल दिया है, तो मैकडॉनल्ड्स वाले इतने पीछे क्यों हैं। एंड मैंने ना ऑफकोर्स बैंगलोर में जो मैं कैफ़े में चीज़ें ट्राई की थी वो यार यहाँ पे भी हैं, सारी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट दो चीज़ें जो थी मैंने वहाँ पे नहीं ट्राई की थी, दैट वाज द कूलर एंड द चॉकलेट मफिन। एंड यार इनके पास ना दो मफिन्स अवेलेबल थे, वन इज़ द चॉकलेट और दूसरा था वनीला मफिन, एंड इट लुक सो टेम्पटिंग यार। ओके थोड़ी सी बाइट लूँगा, बाकी सारा जो मफिन है ना ये बर्गर्स मर्डर करने के बाद खाऊँगा मैं। ओ भाई सॉफ्ट तो है बहुत, ओ दिस इज लोडेड विद चॉकलेट, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ ब्राउनी। ओके इसका मैं आपको सीन बताता हूँ, इट हैज़ लिटिल बिट पल्प इनसाइड इट, सोडा और आइस, एंड हो सकता है थोड़े बहुत और फ्लेवर्स इन्होंने ऐड किए हो, बट भाई दिस इज़ रिफ्रेशिंग। इसको यार ये लोग कूलर बोलते हैं। वैसे दिल्ली में ना ऐसे ग्लासेस में फ्रूट जूस मिलता है और ये शक्ल से एकदम मिक्स फ्रूट जूस लग रहा है मुझे तो। एनीवे गाइस देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन देयर मेन्यू विच इज़ कॉल्ड दी फ्रोजन कोक। फ्रोजन कोक के साथ साथ ये लोग फ्रोजन फैंटा भी सर्व करते हैं। मतलब मैं बचपन में ना कोका कोला को फ्रीज़र में ऐसे जमा के रखता था और तब कुछ ऐसी चीज़ मिलती थी मुझे और वो चीज़ ना मैकडॉनल्ड्स वालों ने मेरी कॉपी कर ली है। और फ्रोजन को पीने या खाने के बाद अगर बाकी के वीडियो गाड़ी में हो तो समझ जाना मैकडॉनल्ड्स किक मी आउट, बिकॉज मुझे एक बार वार्निंग ऑलरेडी दे चुके हैं लोग दैट आई एम नॉट अलाउड टू फिल्म हियर, बट एनीवे मैं भाई ये मेरी उन्होंने रेसिपी चुराई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले। नाउ कमिंग ऑन टू दी बर्गर्स, यार आई हैव फाइव बर्गर्स, लेट्स स्टार्ट विद दी चिकन कबाब बर्गर। चिकन कबाब बर्गर का सीन कुछ ऐसा है कि अंदर अनियंस हैं और क्रीमी सी कोई मेयो लगाई हुई है और एक पैटी है। भाई चिकन कबाब की बात हुई थी ना तो इसके अंदर सीख कबाब वैसे वो क्यों नहीं है, ये तो नॉर्मल फ्राइड पैटी है। ओके मैं सच में एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार कबाब शबाब होंगे इसके अंदर, या तो स्ट्राइप्स होंगे या फिर कटे हुए कबाब डालेंगे, बट ना सो आई एम लुकिंग एट चिकन सीख कबाब जिसको इन्होंने पैटी बना के डीप फ्राई कर दिया, ये सीन है इस बर्गर का। एंड ये चिकन सीख कबाब विद दिस मेयो स्पेसिफिकली, ओहो मैन यम है ये तो, मन कर रहा पूरा बर्गर ख़त्म कर दूँ, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। दिस इज अमेरिकन चीज़ सुप्रीम वेज बर्गर। यार जितना मुझे याद है मेरी मेमोरी के हिसाब से ये अमेरिकन सुप्रीम बर्गर ना बर्गर किंग में आया है, मैकडॉनल्ड्स का तो मुझे आइडिया नहीं और दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके इन्होंने सेसमे सीड्स लगाए हुए हैं बट वो कबाब वाले पे सेसमे सीड्स नहीं थे, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये वाला थोड़ा महंगा होगा बर्गर। इस बर्गर के अंदर इन्होंने वो अपनी ऑरेंज वाली सिग्नेचर मेयो डाली है, साथ में थोड़े से अनियंस हैं, चीज़ स्लाइस हैं, पैटी हैं एंड दी जलापेनोस। And yeah, this is the package of this American Veg Supreme Burger. ये वेज सुप्रीम बर्गर है ना, इसके अंदर एलापेनियोज़ डालने चाहिए थे, विच इज
चीज़ी स्मूथ सा बर्गर है और आलापेनियोज़ की वो प्योरनेस, अजीब सा फ्लेवर आ रहा है मुझे इसके अंदर ना. दे शुड हैव लाइक स्टिक विद जस्ट चीज़ लाइक अमेरिकन चीज़ बर्गर, वो जो टोनी स्टार्क खाते हैं आयरन मैन में, ये सीन होना चाहिए था इसका. There are two things I want to do. I want an American cheeseburger. Guys, this burger belongs to McDonald's का Gourmet Collection. And this is the McSpicy burger. यार मुझे याद आ रहा है Domino's में भी Gourmet Collection पिज्ज़ा लाइनअप आया है जो कि हर जगह सर्व नहीं हो रहा और वो बहुत एक्सपेंसिव है और मतलब those are like the thin crust pizza और मैं मुझे पता नहीं मैं Domino's की बातें क्यों कर रहा हूँ McDonald's में बैठ के. And I'm gonna eat my burger now. Okay, the Mexican spicy burger. यार ये मैक स्पाइसी बर्गर दिल्ली में मिलता है, ये मैक स्पाइसी प्रीमियम है तो अलग है ठीक है. और इसके अंदर ओ लुक एट दी मेयो भाई, ये वो पेरी पेरी मेयो लग रही है मुझे. अनियंस हैं, पैटी है एंड प्रीटी मच इट. और ऑफ कोर्स बन पे ससमे सीड्स. मुझे समझ नहीं आ रहा यार ये कुछ बर्गर्स में ससमे सीड्स डालते हैं कुछ में नहीं डालते. आई डोंट नो, मे बी शायद महंगा वाला है. ओके सेम पैटी जो शायद मैक्सिकन सुप्रीम में इन्होंने डाली है ना, और जो कि अमेरिकन बर्गर में इन्होंने पैटी यूज़ की है सेम पैटी यहाँ यूज़ की है. द ओनली डिफरेंस जो है दैट्स इन दी मेयो. मेयो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव है, थोड़ी सी ज़्यादा आई मीन इट्स नॉट एग्जैक्टली द पेरी पेरी मेयो, इट्स कोई स्पाइसी इनकी अपनी मेयो है वो इन्होंने इसके अंदर डाली है. ओह नो माय असेसमेंट वाज रॉन्ग, इसकी जो पैटी है दैट इज़ नॉट सेम एज दी अमेरिकन वाले बर्गर की पैटी, इट इज़ डिफरेंट. इसके अंदर पनीर वनीर है यार, उसके अंदर सिर्फ आलू थे. बट ऑफकोर्स अमेरिकन वाला वॉज मच मोर ऑन द चीजी साइड, ये वाला इज ऑन द स्पाइसियर साइड. व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? मैक्सिकन मैक आलू टिक्की बर्गर. ओके मुझे याद आ गया, ये बर्गर मैंने बैंगलोर में भी खाया था. बट द ओनली डिफरेंस इज यार ये ना वीट बन है, बस ये वीट बन है और वो वाला मुझे नहीं पता कौन सा बन था. बट आई हैव हैड दिस बर्गर इन बैंगलोर, तो देख लो भाई अगर ये बर्गर आपको ट्रैवल करना है तो या तो बैंगलोर आ जाओ या फिर अहमदाबाद आ जाओ. इसके अंदर भी इन्होंने वो स्पाइसी वाली मेयो डाली हुई है विद एलापेनियोस एंड अनियंस एंड अ पैटी एंड वही अपना बन है भाई वो आटे वाला है ना. नॉर्मल आलू टिक्की में जो मेयो होती है दैट इज़ नॉट इतनी ज़्यादा स्पाइसी, ये इन्होंने स्पाइसी ही हुई है एंड ऑफकोर्स एलापेनियो की वजह से देयर इज़ दैट स्पाइसी पंच इन इट. तो ये सीन है इसका. नाइस बट ऑनेस्टली आई वुड प्रेफर माय नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर ओवर दिस मैक्सिकन आलू टिक्की. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अमेरिकन चीज़ चिकन बर्गर. ओके दिस इज़ लाइक द मोस्ट हैवीएस्ट बर्गर आज का. दिस बर्गर इज़ ह्यूज. ओह भाई आई डोंट नो यार इसके अंदर ये इन्होंने क्या डाला हुआ है, बट जो भी डाला है स्पाइसी लग रहा है मुझे. तो इन्होंने फ्राइड चिकन पैटी इसके अंदर डाली है और नीचे वो जो मैके का आता था ना वो वाली पैटी यूज़ की है अंडे की. एंड इसके अंदर लेटस है, इसके अंदर एलापेनियो है और बस भाई लेट्स डाइव इनटू इट. यार इसका नहीं है ना मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर बढ़े उसमें आ रहे हैं चिकन का नेक का. आई कैंट एक्चुअली टेस्ट एनी अदर स्पाइसेस और सीजनिंग, आई डोंट नो. एंड इन फैक्ट एग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है. दिस इज़ द सीन ऑफ अमेरिकन चिकन चीज़ बर्गर. और यार एक चीज़ अभी मेरी और बची है, वो मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी. अगर मैं पहले ऑर्डर कर देता वो मेल्ट हो जाता एंड थोड़ा सा खत्म करता हूँ इसको देन लेके आता हूँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट बनाना कैरेमल मैक फ्लरी. यार वो ओरियो वाली मैक फ्लरी तो मैंने खाई है दिल्ली में, ये वाली भाई नहीं मिलेगी. ये खाना है तो अहमदाबाद आओ. और इसके अंदर ना यार वनीला आइसक्रीम है, उसके ऊपर इन्होंने चोको मतलब क्रश चॉकलेट डाली हुई है एंड कैरेमल और बनाना की सिरप मुझे लग रही है. यस ये सीन है हमारी मैक फ्लरी आइसक्रीम का जो कि स्पेसिफिकली मिलती है गुजरात में. दिस इज गुड, दिस इज डैम गुड भाई. इतने सारे बर्गर खाने के बाद ना एक ऐसी आइसक्रीम तो बनती है. मैं नाम आइसक्रीम को इंजॉय करूँगा. आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग.